अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, आज हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 का व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो नाम है जी व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये जो व्हीटस्टोन है ये एक बंदे का नाम है। ठीक है, ये कोई गंदुम नहीं है व्हीट। ठीक है, तो ये एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिसने ये बनाया था। अब ये है क्या ब्रिज? ब्रिज हम वैसे तो आम अल्फाज में से कहते हैं कनेक्शन। ठीक है, ब्रिज क्या करता है? ब्रिज दो डिफरेंट एक जैसी मतलब साइडें, मतलब एक जैसी चीजों के दरम्यान में एक लिंकेज जो प्रोवाइड करता है ना, हम उसे ब्रिज बोलते हैं हमारी जमाने में। जैसे कोई आम ब्रिज होता है, मतलब नहर जा रही है या फर्ज कर लो दरिया है, उसके उस तरफ और इस तरफ ये लैंड के दरम्यान में जो एक कनेक्शन बनाता है वो हमारे पास क्या होता है? ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? इसके अगर मैं डिफाइन लिखूँ फिर मैं आपको डिफाइन समझाता हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट which is used to find the unknown value of a resistance। यानी कि ये किसी भी resistance की जो unknown value है, मतलब जो value हमें पता नहीं है, उसकी resistance को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। अब resistance का इधर बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो कार्बन के resistor। रेजिस्टर का मतलब है कोई भी पंखा हो सकता है, कोई भी बल्ब हो सकता है, थर्मिस्टर हो सकता है, एलडीआर हो सकता है, कोई भी चीज़, क्योंकि जिसमें से भी करंट गुजरता है उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर भाई किसी चीज़ की रेजिस्टेंस है तो वो ये भी कहेगी कि मेरी मेजरमेंट भी होगी, मेरी कुछ ना कुछ क्या होगी वैल्यू। अब उसकी वैल्यू के लिए इसने एक डिवाइस बनाई जो बहुत पुरानी है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी अच्छी करती है ये। हमें भी पता है कि आजकल डिवाइस मार्केट में मिल जाती है, वो मीटर लगाते हैं ठक करके रेजिस्टेंस आती है, लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी हद तक अच्छी है। और उस जमाने में जब ये मीटर शीटर नहीं थे तो तब व्हीटस्टोन ब्रिज ही इस्तेमाल होता था अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये है क्या, ये बनता कैसे है? अब ये एक ब्रिज है जो दो आपको सिंपल से रस्तों के दरम्यान में कनेक्शन प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। और सारी कहानी यानी कि जो सारा काम है इस ब्रिज की कैलकुलेशन के अंदर, वो सारे का सारा इस कनेक्शन जो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे पास होती हैं जैसे चार रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये देख रहे हो, ये मेरे पास है दो अलग अलग रास्ते, एक ये रहा रूट, ये रहा और एक ये रहा, ये दो रूट हैं और इनको मैं कनेक्ट करता हूं एक बैटरी से। ये देखते जाओ, ठीक है, और इधर एक स्विच। ये स्विच तो बस एक अपने लिए होता है कि मतलब हमने इस जगह पे एक स्विच लगाया जो कनेक्शन को कंट्रोल करेगा, करंट को फ्लो को रोकेगा या जाने देगा। अच्छा, इधर रेजिस्टेंस चार लगी हुई है, इसका नाम है जी आर वन, आर टू, आर थ्री और आर फोर। अब आपको पता है कि जब करंट इधर पहुंचेगा तो इस पॉइंट्स के हम नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो आपको पता है कि जब करंट पॉइंट सी पर, क्योंकि पॉजिटिव से चलना है करंट ने और किसकी तरफ आना है, नेगेटिव की तरफ, तो इधर जब सी पर पहुंचेगा तो सी पर पहुंचने के बाद कुछ इधर से होकर इधर आ जाएगा और कुछ ऊपर से, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगी हुई है। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज में है। इधर मैं लिख देता हूं हेयर आर वन एंड आर टू आर इन सीरीज एंड देयर इक्वलेंट, इनके जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है इस पैरेलल टू द इक्वलेंट ऑफ सीरीज ऑफ आर थ्री एंड आर फोर।
तो अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों की सीरीज में और इनकी एक इक्वलेंट होगी और इन दोनों सीरीज की एक इक्वलेंट होगी। ये दोनों इक्वलेंट आपस में कैसे हैं, पैरेलल में लगी हुई है। इसका मतलब है कुछ करंट इधर से जाएगा कुछ इधर से, ओवरऑल ये। अब इस अलग रास्ते में और इस अलग रास्ते में दोनों करंट है तो इनके दरमियान में हम एक कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो कि बनाएगा इसे एक ब्रिज। तो वो कनेक्शन आप देखें तो इधर मैं एक कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रास्ते के अंदर एक डिवाइस लगा रहा हूँ और इस डिवाइस को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और ये भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसकी भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसका नाम क्या होता है आरजी। मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस भी होगी आरजी। अब ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद हम इस ब्रिज को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब ये इस तरह का होता है, कुछ इस अंदाज का आपको बना हुआ नजर आएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कुछ इस अंदाज का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर इधर सेंटर में एक सुई होती है और इधर कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है, इस तरह जैसे कैलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है। इसके इस तरफ एक नेगेटिव होता है, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव तार होती है और ये जो बन जाता है, ये बन जाता है एक आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसकी सुई इधर सेंट्रल पोजीशन जीरो पर होती है, ठीक है। ये जो कैलिब्रेशंस मैंने लगाई है ना, ये इधर अंदर होती हैं, ये तो ऊपर मैंने ऐसे बनाई थी, ये इस जगह यहाँ पर जीरो न्यूट्रल होती है, ठीक है। जब इसमें करंट गुजरता है तो हम ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि क्या इधर करंट है या नहीं। अब अगर इसके ऊपर करंट हो तो यहाँ तो इसकी सुई इधर आ जाती है या उधर चली जाती है। जब इसके ऊपर करंट, इसके अंदर से करंट नहीं गुजरता तो इसकी सुई कहाँ पर आ जाएगी, जीरो पर। तो हम कहेंगे ये गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट नहीं गुजर रहा। अब ये जो ब्रिज है इसका काम है कि कुछ इधर से चार्ज इसको इधर लेके आए, मीन करंट, कुछ करंट इधर फ्लो करेगा और कुछ करंट नीचे से ऊपर और कुछ ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा। अब हमें पता है ये गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट आपको पता लग गया और इसकी कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होती है। अब हमें पता है कि अगर फर्ज कर लो ये मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो आपको पता होगा कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस में से, ऐसा ही। मैंने कहा यार वो क्यों, आपको कहा सर इसकी एक साइड पर है हायर पोटेंशियल V और दूसरी साइड पर है जीरो, जिसकी वजह से इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ पोटेंशियल सेम कर दूं, मतलब ये वाली तार भी इधर लगा दूं और ये वाली तार भी इधर लगा दूं, तो जब दोनों साइडों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो सर्किट से अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, जीरो। इसका मतलब है कि अगर इसकी सुई चलते हुए सर्किट के अंदर जीरो पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि इसकी ये वाली और ये वाली हायर साइड या लोअर साइड, या ये हायर या ये लोअर। मैंने कहा भाई हायर लोअर का क्या मतलब, अगर इधर करंट ज़्यादा हुआ तो इधर जाएगा क्योंकि ये साइड हायर पर होगी ये लो पर, और अगर इधर ज़्यादा हुआ तो इधर से नीचे आएगा, तो हम कहेंगे ये हाई पर और ये लो पर। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो दोनों जगह पर मैं कहूँगा पोटेंशियल सेम हो गया, और अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सारे का सारा करंट इधर से इधर और इधर से इधर। तो फिर हम इसे लगा क्यों रहे हैं जब मैंने पोटेंशियल इसके क्रॉस जीरो करना है, या इसको क्या करना है। जब इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो होता है तो इसके अंदर से नेट करंट जो है वो जीरो फ्लो करता है। तो हम कहते हैं जो आपका ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गया। अब ब्रिज बैलेंस का मतलब क्या है कि आपके पास एक ब्रिज है और उधर से कुछ ट्रैफिक आ रही है, कुछ इधर से जा रही है, कुछ इधर से आ रही है। हम कहते हैं कभी उधर से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, कभी इधर से ज़्यादा आ जाती है। लेकिन एक ऐसा वक्त होगा जब दोनों साइड से ट्रैफिक सेम आएगी और ब्रिज हम कहेंगे दोनों तरफ से हो गया बराबर सेम। जब दोनों तरफ से चार्जेस सेम आएंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो हो जाएगा डिफरेंस, तो करंट जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे ब्रिज बैलेंस होगा। इसका मतलब है सारे का सारा करंट इधर से जा रहा है और सारे का सारा इधर से। तो हम इन दोनों करंट्स को कंपेयर करने के बाद, इन दोनों साइडों को, कि इसके अंदर और इसके अंदर करंट की वैल्यूज हो गई हैं सेम, तो फिर हम जज कर लेते हैं कि हमने जो रेजिस्टेंस को फाइंड करना है अननोन को, वो हम उसे किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करके इधर कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये तीन चार पॉइंट्स, गैल्वेनोमीटर, इसकी सुई जीरो पर आनी चाहिए ब्रिज बैलेंस के लिए और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। दूसरा, पोटेंशियल कब करंट फ्लो करता है, जब एक साइड हायर पर हो और दूसरी साइड लो पोटेंशियल पर हो। अब हम इसे आगे देखते हैं कि
ये काम कैसे करेगा, मतलब इसके अंदर हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रा देखो मैं इधर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा, मैं इधर सपोज करूँगा कि लेट आर वन एंड आर टू आर फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस। मैं कहूँगा आर वन और आर टू जो है ये फिक्स है, यानी कि इनकी वैल्यूज चेंज नहीं करूँगा मैं। ठीक हो गया, फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस। व्हाइल आर थ्री इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा यू निशान लगा दूंगा ताकि इसकी रेजिस्टेंस को मैं मीटर से एडजस्ट कर सकूं। मैंने कहा वो क्यों करेंगे, क्योंकि जब इधर से करंट ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसकी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करूंगा कि करंट इधर एडजस्ट हो जाए, ताकि इधर इधर तो जो जा रहा है लेकिन इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करूंगा, यहाँ तो इधर करंट ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, ताकि वो इस करंट के क्या हो जाए बराबर। तो इसलिए ये वेरिएबल रेजिस्टर रखूंगा। लेकिन ये आर फोर के साथ सीरीज में है, आर फोर के साथ सीरीज में है, इसका मतलब है कि इसको छेड़ने से इधर का करंट भी इफेक्ट होगा। ठीक है, इधर ये स्टेट वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है। एंड आर फोर इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। ये हमारे पास जो आर फोर है ये अननोन रेजिस्टर होगा। ठीक है, इसको हम एंड में आर एक्स बोल देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम किरचॉफ रूल्स। अगर आप गौर करो तो इसको मैं इधर तीन अलग अलग सी इक्वेशंस बना सकता हूँ, मतलब लूप्स बना सकता हूँ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया जाएगा जो कि हमने पीछे पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने पीछे एक और चीज़ भी पढ़ी थी, प्रोसीजर फॉर सर्किट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम इन दोनों को अप्लाई करके ज़रा इधर चेक करेंगे कि होगा क्या। सबसे पहले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखेंगे। वो कहता है भाईजान अपुन के लिए तो तीन एक लूप्स चाहिए, क्योंकि ये लूप रूल है तो मुझे लूप्स चाहिए। तो अगर आप गौर करो तो एक लूप तो आपके पास बनती है ये नीचे वाला सीधा सीधा सा, ये मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक लूप तो बनती है आपके पास, ये एक लूप अगर आप देखो तो एक लूप आपके पास बनती है ये वाली। आर वन और आर थ्री, और एक लूप आपके पास बनती है ये वाली। आर टू और आर फोर नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आप मेन देखो तो इधर हमारे पास मेन दो लूप्स बनती हैं। अगर हम इस डायग्राम में अंदर देखें तो एक लूप का नाम मैं इधर रख दूंगा ए बी डी ए, और जो दूसरी लूप है उसे मैं कह दूंगा सी बी और डी सी। ठीक है, सी बी डी सी, और जो ये वाली लूप है अगर आप इसको तीसरी को देखो तो ये शुरू होती है सी डी ए सी, ये वाली। लेकिन इसको मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस आर थ्री और आर फोर ऑलरेडी इन ये जो मैंने इधर बनाई हैं लूप्स, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा चुन्नू मुन्नू सी रजिस्टर बन गई थी। अब ठीक है, इस ऑलरेडी इस ये जो रजिस्टेंस थ्री और फोर है ऑलरेडी हमारी इन दो लूप्स के अंदर इन्वॉल्व होगी, तो इसलिए इसको तो मैं देता हूँ मिटा। लेकिन अगर आप गौर करूँ तो मुझे पता है कि जहाँ जहाँ पर ये जॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इन इन जगह पर करंट ने डिविजन्स ले लेनी है, या लूप्स को डिसाइड करने के लिए किरचॉफ रूल के लिए हमने वो प्रोसीजर पढ़े थे, उस प्रोसीजर के मुताबिक सबसे पहले सर्किट डायग्राम फिर लूप्स की सिलेक्शन। तो लूप्स की सिलेक्शन मैंने कर ली एक और दो, तीसरा हर लूप के अंदर आपने करंट डिसाइड करना और करंट ऐसा डिसाइड करना जो पहली में वही सब में हो। अगर इसके अंदर देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा इधर से यूँ, तो जाहिर सी बात है इधर से भी जाएगा ऊपर से करंट जो इस लूप में घूम कर आएगा, और एक करंट इधर से भी जाएगा। अब मैं अपनी आसानी के लिए इन करंट्स के नाम रख देता हूँ। ठीक है, इस करंट को मैं कह देता हूँ I1, इसको कह देता हूँ I2 और इसको कह देता हूँ I3।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप नीचे वाली को देखो तो नीचे वाले का एंटी क्लॉकवाइज बड़ा अच्छा बन रहा है, हमें नजर आ रहा है। अगर इसको देखो तो इसके अंदर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, क्योंकि ये रूल है कि करंट जैसा आपने एक में लिया है करंट की डायरेक्शन वैसी ही सब में लेनी है। तो इसके अंदर आई थ्री, इसके अंदर आई टू और इसके अंदर आई वन, नाम का कोई मसला नहीं है। आप इसको वन कह लो, इसको कह लो, जो मर्जी कह लो, वो कोई मसला नहीं है। बस आपने अपने मुताबिक करंट के डायरेक्शन को ले लेने। तो जैसे मैंने इधर से लिया तो करंट इधर से चला, घूमा, घूम कर वापस आया। तो इधर से लिया, इधर से चला, इधर आया, घूमकर और घूम के वापस आया। इधर से चला, घूमा, गया, घूम घूम के वापस आया। लेकिन अब चूंकि मैं थर्ड लूप को ले नहीं रहा, लेकिन इसका करंट मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट इधर आ रहा है। अगर इनको देखूँ तो इन लूप्स के अंदर ये करंट तो गया, लेकिन ये करंट इधर से आ रहा है, जो इधर से गुजर के यहाँ जाना चाहता है हर हाल में। तो इसकी लूप्स को मैं तीसरी को, इसको तो ले नहीं रहा, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस अगर ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व हो गई है, इसमें और इसमें। तो मैं इधर से आने वाला करंट जो आई थ्री है इसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ सर, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, पहले लू डायग्राम बनाई, दूसरा करंट की आपने क्या की, लूप्स की सिलेक्शन, फिर करंट की सिलेक्शन की, चौथे में आपने लगा देना है किरचॉफ रूल, और पांचवें में लूप्स को सॉल्व करना है। तो किरचॉफ रूल लगाऊं तो अगर मैं पहली लूप देखूं ये वाली, तो अगर आप देखो तो इसके अंदर से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर करंट आएगा आई वन, ठीक है, आई वन इधर से आया, उसके बाद इधर गया, उसके बाद इधर गया। तो अगर मैं इधर देखूं तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर इधर से चल के आ रहा है हाई से लो, तो इधर आएगा लॉस। तो लॉस को लिखूंगा मैं आई वन आन वन प्लस, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो इधर मैं फिर प्लस मिटा कर क्या लिख दूंगा, माइनस, ठीक है। तो इसके क्रॉस मैं फिर लिख दूंगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पर भी करंट का लॉस होगा। अगर ऐसे नहीं लिख रहा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस आई वन आर वन प्लस इधर। अब अगर आप इसको देखो तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस तो इधर से आ रहा है करंट आई वन, लेकिन एक करंट जो थर्ड इधर से घूम के जाना था वो था आई थ्री। तो इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो आएगा आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री, ठीक है। और इधर चूंकि आर थ्री है तो इधर वोल्टेज का लॉस आएगा प्लस। अगर आप इधर देखो तो इधर से इस करंट ने वापस ऊपर जाना है आई वन ने, तो आई वन तो जा रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर से करंट ने अपना चक्कर पूरा करने आना है सी वाले ने। तो जब ये ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से जा रहा है, तो जो जा रहा है हम अपनी आसानी के लिए इसे पॉजिटिव ले लेते हैं। हम कहते हैं भाई आई वन माइनस आई टू इंटू आर जी इज इक्वल टू जीरो। तो ऊपर से आर टू, नीचे से आई वन, तो जो डिफरेंस आएगा वो इसमें से गुजरेगा, तो गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आएगी। तो ये तो होगी आपकी लूप वन। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा आई वन आर वन माइनस आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री माइनस आई वन माइनस आई टू इंटू आर जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस ये नेगेटिव मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले का मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आ जाओ इस लूप पे, ये होगी, अब इस पे आ जाओ। इसके अंदर यहाँ से करंट गया इधर से आपके पास आई टू और आर टू, आई टू गया और इसके क्रॉस आर टू, और चूंकि रेजिस्टेंस है हाई से लो गई है तो लॉस। ऊपर से, ऊपर से गौर करो तो करंट आ रहा है I2, लेकिन इस लूप का भी करंट, ये तो हम कंसिडर कर रहे हैं ना इसको, तो इसका करंट तो आ रहा होगा। तो जो इसका करंट आ रहा है नीचे से, वो ऊपर से आ रहा है I2 माइनस, जो नीचे से आ रहा है वो कौन सा करंट है जो इधर से आ रहा है ऐसे ऊपर की तरफ अपनी लूप पूरी करने चाह रहा है, वो है I1, I2 माइनस I1 इंटू हाँ जी, और गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस है, लॉस होगा। उसके बाद इस करंट इधर पहुंचना है, करंट इधर आता है, लेकिन जब इधर आता है तो इसे सामने एक और करंट का सामना होता है, और वो कौन सा करंट है जो इधर से आ रहा है, वो था आई थ्री। तो आई टू माइनस आई थ्री इंटू आर फोर इज इक्वल टू जीरो। अब मैं चाहता हूं कि सर्किट के अंदर ये इस डब्बे में से करंट ना गुजरे, इनके डब्बे से करंट ना गुजरने का मतलब ये कह रहा हूं कि इस डब्बे के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो जीरो, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। वो कब पॉसिबल है, क्योंकि इसमें से दो ही करंट गुजर रहे हैं, एक आई वन और आई टू, जैसे इधर है आई टू और आई वन। तो ये तब पॉसिबल है जब नेट करंट जीरो होगा। वो कब जीरो होगा, जब आई वन आने वाला करंट आई टू के बराबर हो जाए, और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, सेम आई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन वन है और जो इक्वेशन टू है, इन दोनों में आई की, आई वन और आई टू को रिप्लेस करके आई आई लिख देंगे, ठीक हो गया। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि इधर करंट जीरो हो गया, मतलब ये कि हम कैसे करेंगे। तो याद है मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई थी जो रियोस्टेट था,
वेरिएबल रजिस्टर, तो ये सारा जादू ये करेगा। इसके डीमर को मैं घुमाऊंगा, इसके डीमर को जब मैं घुमाऊंगा तो ये इस करंट को एडजस्ट करेगा जो इधर से आ रहा है, जो इस लूप के चक्रों में से गुजर रहा है। तो ये जब इस अपने करंट्स को एडजस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है पूरे सर्किट को एडजस्ट करवाएगा। जब ये एडजस्ट करवाएगा तो ये दोनों, एक ऐसा वक्त भी आएगा जब यहाँ से और यहाँ वाला करंट बराबर हो जाएगा, और उस वक्त मुझे कोई बता नहीं रहा कि सर करंट बराबर हो गया, मुझे गैल्वेनोमीटर बता देगा सर ये तो गूंगे बह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऊपर एक सुई आती है, वो सुई जब जीरो पर आएगी तो करंट जीरो हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया था, ये सुई पर डिफ्लेक्शन दे देगा कि सर करंट दोनों क्या हो गए हैं बराबर। जब दोनों करंट बराबर हो गया तो फिर मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा, मैं लिखूंगा माइनस आई इंटू आर वन माइनस आई वन माइनस आई थ्री, I1 के बजाय आ जाएगा I3 इंटू R3 माइनस, अगर आप देखो तो आ जाएगा I1 माइनस I1 के बजाय I2 के बजाय भी I इंटू RG इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन में भी आ जाएगा I इंटू R2 माइनस I माइनस I इंटू RG माइनस I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा इधर, ठीक है। तो उसके बाद में मैं ऊपर हल कर देता हूँ इस जगह पर। तो अगर आप देखो तो ये सेम है, ये काट देंगे इधर, ये सेम है तो ये काट देंगे, तो इधर बचेगा माइनस आई इंटू R1 माइनस आई इंटू I3 इंटू R3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसी तरह नीचे वाला जो होगा वो होगा I इंटू R2 माइनस I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू जीरो। अगर आप देखो इसको मजीद सॉल्व करो तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, ये आ जाएगा माइनस I इंटू R1 इज इक्वल टू, ये माइनस क्या उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो बनेगा I माइनस I3 इंटू R3। और इसी तरह अगर इस इक्वेशन को देखो तो ये बनेगी माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू I इंटू I3 इंटू R4, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। इसकी इक्वेशन का नाम रख लो 3, इसका नाम रख लो 4, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग तीसरी को चौथी पे डिवाइड कर दो, यहां 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 सीधा से इसका हाल देखो कि माइनस I1 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपको नजर आएगा R3 ओवर R1 किसके बराबर आ जाएगा इसके, ठीक है। या इस इक्वेशन को डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, नहीं तो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। जब आप डिवाइड करोगे लेफ्ट लेफ्ट पर डिवाइड होगा राइट राइट पर, लेफ्ट लेफ्ट पर डिवाइड हो जाएगा राइट राइट पर, तो आपको आंसर मिलेगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। और इसके अंदर मैंने कहा था कि जो ये वाली रेजिस्टेंस है R4, इसको मैंने लिखा था R ऑफ X, यानी कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, और ये दोनों मुझे पता है, तो फिर R4 किसके बराबर आ जाएगा, इधर से ये उधर जाएगा तो आपको नजर आएगा R3 ओवर R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो इस तरह आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लोगे। तो ये था सारा आपका किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करके व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने हल किया, और इसने आपको अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं इधर बताना चाह रहा था वो देख लो इधर, ठीक है। वो मैं ये कहना चाह रहा था आपको, अगर आपने ये डिवाइड वाला रोला नहीं करना ये इतना, तो इधर से आप देखो इस इक्वेशन को इधर से, तो आपको क्या ये लग रहा है कि माइनस आई ओवर आई माइनस आई थ्री बराबर आएगा R3 ओवर R1 के, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आकर डिवाइड। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, इसको नीचे वाले को, तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है आई ओवर I माइनस I3 बराबर आ जाएगा R4 ओवर R2। क्या इसका ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर देखो तो इनकी लेफ्ट साइड सेम है, तो फिर इनकी राइट साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो फिर मैं इसे लिख दूँ R3 ओवर R1 इज इक्वल टू R4 ओवर R2, और यहाँ से R4, ठीक है, जिसको मैं कहूँगा R ऑफ X इज इक्वल टू R3 ओवर R1 मल्टीप्लाई बाई
R2, देखो ये वही एक्सप्रेशन है जो थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के दिए, यानी कि ये दोनों सेम है। ठीक है, ये डिवाइड वाला जो होता है ना, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता यार हम इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी साइड्स बराबर हो रही हैं इधर। ठीक है, तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान। ठीक है, और मेजर चीज़ इसकी डायग्राम, डायग्राम के करंट्स, डायग्राम के अंदर गैल्वेनोमीटर, उसकी रेजिस्टेंस और सारी कहानी। ये जो आर मैंने फिक्स और ये वेरिएबल और ये बनाया, ये आपने नहीं बनाना, आपने सिर्फ इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। डायग्राम एसएच बुक वाली कॉपी मारो और अच्छी तरह समझो। ठीक है, और सारा का सारा ये जो हमने प्रोसीजर्स पढ़े हैं उसको इस्तेमाल करके हो रहा है। ठीक है, तो एंड में मैंने इक्वेशंस बनाए और इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन फैक्टर को निकाला, जो कि मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था। ठीक हो गया, अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।